नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की तमाम खबरों का। लोकसभा के गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फर्जी वीडियो की शिकायत SSP और जिला निर्वाचन अधिकारी से की। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स रामनगरी की एक बिल्डिंग को बिना प्रमाण के गणेश गोदियाल का बता रहा है। गोदियाल ने कहा कि मतदान से पहले सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो डालकर मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मामला रामनगर का होने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी और SSP पौड़ी में मामले की जांच रामनगर पुलिस से करवाने की बात कही है। रामनगर का एक वीडियो वायरल होने का कांग्रेस प्रत्याशी श्री गणेश गोदियाल जी के द्वारा ये सूचित किया गया, तो इस क्रम में उन्होंने SSP साहब के यहाँ पे कोई लिखित रिपोर्ट भी एक सबमिट की है। तो अकॉर्डिंगली हम जो भी एक्शन लिया जाना है इमीडिएटली, इसमें रूमर मॉन्गर या जो अफवाह फैलाने जैसी वो बात करें तो प्रकरण की जांच करवाते हुए इसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगी की। एक रामनगर में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बताने वाला व्यक्ति किसी भवन को दिखा रहा है कि ये गणेश गोदियाल का भवन है और ईमानदारी की बात करने वाले व्यक्ति का ये भवन है। मेरा ये कहना है कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है कि मेरा कोई भवन कहीं रामनगर में नहीं है या रामनगर के आसपास कहीं नहीं है। जो भवन वो दिखाया जा रहा है उस व्यक्ति को ये साबित करना चाहिए कि गणेश गोदियाल या गणेश गोदियाल के रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार या गणेश गोदियाल का 1 रुपया इसमें लगा है और ये प्रमाण है, प्रमाणों के साथ कहना चाहिए। पौड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल स्थित सेडिया खाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूथ नंबर 56 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने पूर्व विकास खंड एकेश्वर के बगयाली के लोगों को मतदान करने के लिए भी मना लिया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाला स्थित सेडिया खाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बूथ नंबर 56 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही साथ सुबह से क्षेत्र के मतदान में बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े थे। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर और मंत्री पहुंचे और पहुंचने के बाद से लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत भी उन्होंने दिया। वोट देने के बाद श्री महाराज ने कहा कि लोकतंत्र के राष्ट्रीय पर्व में प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वह भारत के स्वास्थ्य एवं सशक्त लोकतंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री एवं चौबट्टा खाल विधायक महाराजा ने विकास खंड एकेश्वर के बगयाली की जनता को मतदान करने के लिए भी मना लिया। बगयाली क्षेत्र की जनता पिछले कई दिनों से मतदान के लिए बहिष्कार करने पर अड़ी हुई थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज के समझाने बुझाने के बाद उन्होंने मतदान के लिए बहिष्कार का अपना निर्णय वापस ले लिया और बढ़ चढ़कर मतदान भी किया। हम लोग अभी अभी वोट डाल के आए हैं और यहाँ पर काफ़ी उत्साह है लोगों का और काफ़ी महिलाएं माताएं सब आ रही हैं वोट डालने के लिए, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे प्रजातंत्र मजबूत होता है। आइए वोट डालिए और प्रजातंत्र को मजबूत कीजिए। चमोली जिले में अभी दोपहर तक मतदान का ज्यादा प्रतिशत बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज तक सदियों का सीजन अपने चरम पर है। दोपहर बाद हर किसी की मतदान प्रतिशत बढ़ने की आशार है। सुबह जिन मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया उनमें खासा उत्साह देखने को मिला है। आप भी सुनिए विभिन्न पोलिंग बूथों पर अपना वोट देने वाले लोगों की प्रतिक्रिया। थराली विधानसभा से भाजपा विधायक भूपाल राम टंपा ने भी अपने परिवार के साथ अपने गृह क्षेत्र के मतदान केंद्र पर किया मतदान। इसी के साथ कौब गांव में परिणय सूत्र में बंधने के बाद भी पूर्व दुल्हन ने भी किया अपने मत का प्रयोग। और एक मजबूत सरकार के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के लिए आपका मतदान बहुत जरूरी है और इसी मतदान के तहत आप एक मजबूत सरकार अपने लिए चुन सकते हैं और एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप अपना एक योगदान दे सकते हैं। मेरा नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंह है। हमें बहुत खुशी हुई अपना मतदान देते हुए और मेरा अनुरोध है कि सभी क्षेत्रवासी समय पर आकर अपना मतदान दें और अपने इस क्षेत्र को अग्रिम ओर की ओर बढ़ाएं। तल्ला जो मेरा नाम बूथ है, बूथ संख्या 128 पर अपने मताधिकार का मैंने प्रयोग किया है और आज मेरे गांव के लोग, मेरे परिवार के लोग यहां पर मतदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह की जो मैं देख रहा हूं
हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है ये मेरा सब लोगों से, अपने क्षेत्रवासियों से विशेष मेरा ये आग्रह, अपील और अनुरोध भी है कि आप अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करके एक बेहतर सरकार, एक बेहतर प्रशासन के लिए आप अवश्य मतदान करें। सुनाऊ तल्ला बूथ से, और मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने मत का प्रयोग किया। मैं क्षेत्रीय जनता को कहूँगा कि आइए लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपना मत का प्रयोग कीजिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए और युग निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना अमूल्य, जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है। एक विद्वान ने कहा है, प्रोफेसर लास्की ने, अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। उसमें से ही हमारा एक जो सबसे बड़ा राइट दिया गया हमें, अपने मत का प्रयोग करने का। तो आइए इस महापर्व पर अपना अमूल्य मत का प्रयोग कीजिए, अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी को, विकासशील प्रत्याशी को अपने मत का प्रयोग कीजिएगा और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाइएगा, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाइएगा। जी धन्यवाद। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक की सिरो ग्राम सभा के जनता इंटरमीडिएट कॉलेज रामाडाग स्थित पोलिंग बूथ में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने पैतृक गांव सिरो पहुंचे वर्तमान सांसद ने ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले पोलिंग बूथ में अपना मत डालने के बाद मतदाताओं से बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के पथ पर आगे बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता पीएम की बढ़ रही है, उसको देखते हुए एक बार फिर से भाजपा केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में मतदान अपने विवेक से सक्षम और योग्य प्रत्याशियों को चुनकर संसद में भेजेगी। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री वोट करना चाहते हैं, लोगों के मन में है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। विकास तो मोदी जी को करना है, और यदि गरीब कल्याण योजना के तहत सबकी चिंता करना, वैक्सीन लगाया, कोविड, मैंने तो दौड़ देखा, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ भैया, कैसे कैसे लोग उस समय परेशान थे, कैसे कैसे लोग प्रवासी भाग के आ रहे थे, दौड़ रहे थे, ऐसा मोदी ने ट्रेन लगा, वो परिस्थितियाँ भी मैं जानता हूँ। तो मोदी जी ने सबके वैक्सीन 100% देशों को भी भेजना शुरू किया था, अन्य देशों को, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत देश को खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री, तो आज लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करेंगे और उसके लिए, लेकिन जब एक एक सीट जीत के जाएंगे ना, और उस सीट को अनिल बलूनी भी अपने में योग्य प्रत्याशी है, कर्मठ है, काम करने वाला है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सीट भारी बहुमत से जीत के जाएगी और उसके लिए हम प्रयासरत है, क्या ना? 17 जनता इंटर कॉलेज कंडार पानी में ये बूथ है, इसमें कुल वोटरों की संख्या 590 है, जिसमें 313 पुरुष और 277 महिलाएं हैं। मैं जो बूथ का जो वातावरण है बिल्कुल शांतिपूर्ण है। अभी यहां पर हमारे निवर्तमान सांसद जी यहां पर आए हैं और अपना वोट फंस करके गए हैं। पूरी तरह से शांतिपूर्ण और बिल्कुल सही ढंग से बूथ पर मतदान चल रहा है। इस समय तक करीब 20% मतदान हो चुका है और नए वोटर हैं, उनमें उत्साह देखा जा रहा है कि वो लोग आ रहे हैं, आप वोट कास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं, मेरी उम्मीद है कि इसी प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर चलता रहेगा। सर आपका नाम? चरण सिंह। नैनीताल लोकसभा सीट के लिए बीते दिन शुक्रवार की सुबह से ही मतदाताओं ने विभिन्न दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए मतदान किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुड़ा ने पत्नी सुमेधा बहुगुड़ा के साथ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर जाकर कतारबद्ध तरीके से मतदान किया। उन्होंने कहा कि आपका वोट बहुमूल्य है। उन्होंने देवभूमि के सर्वाधिक विकास को देख कर देश की सशक्त बनाकर मजबूत प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार के पक्ष में मतदान की अपील की है। सुबह करीब 7 बजे से क्षेत्र के 136 पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू हुआ। मतदान के लिए मतदाताओं के बीच खासा उत्साह भी देखा गया। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रही। तेज धूप होने के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज पर कुछ गिरावट देखने को जरूर मिली, लेकिन इधर सोशल मीडिया की बात कही जाए तो विभिन्न लोग मतदान के लिए अपील करते भी दिखे हैं। इस बीच पहले मतदान के बाद जलपान ट्रेंड में रहा। समस्त पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान
रिटर्निंग ऑफिसर रविंदर कुमार व्यवस्थाओं को बनाए रखे और जिसमें मतदाताओं को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। देवतुल्य जनता से निवेदन है कि आज जो आपका वोट हो वो विकास के नाम पे हो, देश को सुरक्षित रखने के नाम पे हो, देश को सशक्त बनाने के नाम पे हो और उत्तराखंड में जिस गति से विकास चला है उस विकास को और आगे बढ़ाने के नाम पे हो। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हमें एक स्थायी सरकार चाहिए केंद्र में जो निर्णय लेने में सशक्त हो। हमें एक स्थायी सरकार चाहिए है केंद्र में जो उत्तराखंड का विकास के लिए सीरियस हो। तो मेरा उत्तराखंड की समझ देवतुल्य जनता से निवेदन कि बहुत सोच समझ के वोट करिएगा। ये वोट बहुमूल्य वोट है, वोट देने ज़रूर जाइएगा। हर वोट की अपनी एक अहमियत है और जो व्यक्ति देश को सशक्त कर रहा है, जो पार्टी देश को सशक्त कर रही है, जो विकास कर रही है, उसको। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।